स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुखदेव भगत जी, जो कि लोहरदगा से सांसद है। इन्होंने ही यही व्यक्ति है जो सिंगल होकर बोला था कि हम लोहरदगा की सीट जीतेंगे और वहाँ पे से हम अपनी जनता को जिस तरह से खुश रखे हैं वो जनता हमें जिताने का काम करेगी। और अब जो है वो जनता आपको जिताई, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का जिनका सहयोग रहा, प्रत्यक्ष रूप से रहा या परोक्ष रूप से रहा, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी हो गई है जी। क्या कुछ कहेंगे, अब तो नए सांसद बने हैं, जो चीज़ सोचे थे वो अब जनता के बीच लाना है, उनके आपके जो कार्य रहेंगे उनको पूरी तरह से सफल बनाना है। देखिए, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई थी और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उन्होंने कहा था संविधान बचाने की लड़ाई थी, आइन बचाने की, डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई थी। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कांग्रेस की CWC की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने जो जनादेश मिला है, हम अपनी विचारधाराओं का किसी भी हालत में उनके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम अक्षरशः पालन करेंगे। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हर वो समूह से, अलग अलग समूह, श्रमिक वर्ग से, स्टूडेंट से, इंटेलेक्चुअल से, महिलाओं से, मतलब जो अलग अलग वर्ग जितने भी वर्ग थे उनसे उन्होंने बातें की और अपना जो गारंटी पत्र उन्होंने तैयार किया था वो हमारे आमजनों की आवाज़ थी। मेरा भी प्रयास रहेगा, हमारे नेता ने जिन चीज़ों को मार्ग प्रशस्त किया है अपने क्षेत्र की तमाम लोगों से, जनता से, मैंने कहा अलग अलग समूहों से, मैं भी बात करूंगा और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊंगा, सो दैट कि ये जो प्राथमिकताएं होंगी मेरी नहीं वो जनता की प्राथमिकताएं होंगी। और उसके साथ ना केवल प्राथमिकता हम तय करेंगे वरन एक टाइम फ्रेम भी बनाएंगे, उस टाइम फ्रेम में उनका हम निष्पादन करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बीइंग ए ट्राइब, सरना धर्मकोड का मुद्दा जो है वो हमारे सेंटिमेंटल इशू है, रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, तो वो बहुत प्रमुखता से इन बातों को मैं संसद में मैं उठाऊंगा। जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए तो आपके पक्ष में चमरा लिंडा खड़ा थे, लेकिन वही बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन वो नहीं गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का उन्होंने प्रयास किया, उन्हें भी पता था, और मैं समझता हूँ कि उन्हें तो बहुमत भी नहीं आया है, जनता ने नकारा है। मैं जनता ने नकारा इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस राहुल गांधी जी पे, न केवल कांग्रेस वरन आम पूरा देश जो है वो आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो राहुल जी बचाएंगे, संविधान बचाना है तो राहुल जी बचाएंगे, अगर हर महिलाओं से, युवाओं के साथ न्याय अगर कोई करेंगे तो राहुल जी करेंगे। और यही एक कारण है कि हमारी सीटें दुगनी हुई है और उनकी सीटें घटी है। तो आप इसी सोच सकते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है वो कांग्रेस से एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर क्या राय है आपकी? उत्तर प्रदेश की सीटों पर एक 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 कहावत है कि दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली की जो सत्ता है, भाया यूपी जाती है, और उसे वो भारत का उसे दिल कहा जाता है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार जो स्थिति आई है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हारी है, और न केवल उत्तर प्रदेश हारी है वरन अयोध्या भी हारी है, राम जी की वो सारी चीज़ें वो हर जगह पे वो हारी है। तो ये आप कितने एरोगेंट हो चुके थे मोदी जी, आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने कहा हमने राम को लाया, ऐसा कोई पुरुष आपने देखा है कि जो ईश्वर से बड़े अपने स्वयं को साबित कर रहे हैं? वो तो वाराणसी भी उहारते, वो पहली बार प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रेल कर रहे थे, 11,000 से ट्रेल कर रहे थे, और मैं समझ तो मैनिपुलेट करके बहुत सारी सीटें वो जीती है। आज जनता ने नकारा है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी जो पूरी डाउन हो गई है, मैं जरूर कहना चाहूँगा। झारखंड की इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है विजय पाई है, जीती है, तो क्या लगता है क्या ऐसा कारण था कि ST सीट जो है बीजेपी हार गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार हो रहा था, जनता जो है पलके बिठाए उनका स्वागत कर रही थी, तो ऐसा क्या कारण देखते हैं कि 5 ST सीट जो है वो बीजेपी हार? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने केवल हर जगह देखा हो कि गठबंधन की जो 5 सीट तो हमने जीता, और जो जनरल सीट थे वो वहाँ भी हमारे वोट फैट जो है, वोट के रेशियो जो है, परसेंटेज है, वो हर जगह बढ़ा, चाहे रांची हो चाहे कहीं भी आप देखेंगे। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, 16 लाख वोट हमने इस बार ज़्यादा पाए हैं पिछली बार की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि दिनों दिन जो हमारी है एक्सेप्टेंस जो है, लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की ओर जो है वो उनकी जुमलेबाजी जो है
वो चलने वाली नहीं है। एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद लोग रियलाइज करते हैं, और जो फैनेटिज्म जो देश में जो धर्मांतर उन्होंने फैला रखा है, उससे भारत आज भी सेक्युलर देश है, पहले भी था आगे भी रहेगा। तो ये सब जो थे वो कहीं ना कहीं जागरूक हो गए थे और मोदी मैजिक नहीं चला। जनता पहले भी जागरूक थी, आज भी जागरूक है, लेकिन मैंने कहा, लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी से कहना है कि ये लोग संविधान बदलने की बात करके जो लोगों को है गुमराह कर रहे थे, इस तरह से उन्होंने छल कपट करके सीट, आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की जो मातृशक्ति है आरएसएस, आपने मोहन भागवत जी की भी उक्ति आपने सुनी होगी कि वो हर वर्ग त्रस्त है, ना केवल उनकी मातृशक्ति, आम लोग तो त्रस्त हैं, हर वो वर्ग त्रस्त है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो जितने भी प्रोविजंस हैं उसका इन्होंने अपहरण कर रखा, उसको तार तार कर रखा है। ये सबसे बड़ी बात है, लोगों ने ठान रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, अपने आइन को बचाना है। ये सारे लोगों ने अपने एक तरह से संकल्प ले रखा, उसी का ये परिणाम सामने देखने को मिला है। एक आखिरी सवाल पूछूंगी सुखदेव जी आपसे कि 9 जून को नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण किए, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ जिसमें कई मंत्रियों को स्थान मिले, लेकिन वहीं झारखंड से 2 OBC चेहरों को स्थान मिला, जहां पे अनुपूर्णा देवी और संजय सेठ से। तो क्या लगता है कि आजसू की जो चंद्र ये आजसू से जो जीते थे सांसद रहे हैं आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी तो उन्हें क्यों नहीं मिला? ये तो प्रधानमंत्री जी उनके सरकार की अपने विवेक की बात है, लेकिन इतना जरूर जो पहले का जो इतिहास रहा है, ये बड़ी मछली है और ये केवल छोटी मछली को खाना जानते हैं। आप कहीं भी देख ले इन्होंने क्या किया, शिवसेना इन्होंने तोड़ा, आपने देखा होगा हर जगह पे ये तोड़ने में विश्वास करते, जोड़ने में विश्वास नहीं रखते, तो इनकी प्रवृत्ति ये रही है। क्या कारण होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी को नहीं मिला? ये रीजनल पार्टी स्वयं देखे कि वो उनकी स्थिति क्या है। अजीत पवार जी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, तो रीजनल पार्टी को स्वयं में मंथन करना चाहिए कि किनके साथ जाने में उनका भलाई है। आखिरकार 2014 और 2019 में तो उन्हें दिया गया था मंत्री पद। नहीं है, उनको मंत्री पद नहीं दिया गया था, आजसू को मंत्री पद नहीं मिला था, मंत्री पद नहीं मिला था। अच्छा, इस बार नहीं मिला है, उस पर क्या राय है आपकी? इस बार देखिए, ये पहले कहीं ना कहीं आजसू भी नाराज चल रही है, पर वो बात को सामने लाना नहीं चाह रही। वो कह रही कि हम लोग इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से चलेंगे, इस बात को देखिए। ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे आज भी आपके माध्यम से कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़ चुके थे लोहरदगा के सुखदेव भगत जी, जिन्होंने अपनी बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। बीजेपी के विषय में इन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ तोड़ने का ही काम किया है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा।